शिवराज सरकार की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई में जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने के मामले में फंस गई हैं। फॉरेस्ट कर्मचारी की शिकायत पर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। वन मंत्री विजय शाह ने पीसीसीएम अधिकारी को मामले की जांच सौंपी है। आपको बता दें कि मंत्री उषा ठाकुर पर वन रक्षक ने डकैती का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। वन रक्षक का आरोप था कि महू के बड़गोंदा वन क्षेत्र में बिना अनुमति के मुरम खोदी जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने पर अवैध उत्खनन पर वाहनों को जब्त किया गया था, लेकिन मंत्री उषा ठाकुर और 15 अन्य लोगों के साथ आई और जब्त वाहनों को लेकर चली गई थी। अराधी टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मंत्री के ही खिलाफ जांच के आदेश जारी हो गए हैं। वन विभाग के किसी कर्मचारी ने कोई बोर्ड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, जो लगातार अभी प्रेस में मुद्दा चल रहा है। मैंने भी डीएफओ से बात करी, हमारे पीसीसी से बात करी कि वस्तु स्थिति से तत्काल प्रेस को भी और बाकी वरिष्ठ लोगों को भी अवगत कराएं, क्योंकि सच सामने होना चाहिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं। कल सुबह ही एपीसीसी लेवल के अधिकारी वहां जाकर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी प्रकरण सामने आता है उसके आधार पर कार्रवाई।